ठीक है, अपना ये लेक्चर नंबर 12 है। हमने वेक्टर अफेक्टिंग रेट एंड रेट कांस्टेंट पढ़ रहे थे। पहला था अपना कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कंसंट्रेशन पे सीधा सीधा आपकी रेट डिपेंड करती है, और रेट कांस्टेंट बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। कंसंट्रेशन डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, फोर टाइम कर दो, रेट कांस्टेंट कुछ नहीं बदलेगा। हाँ, रेट बदलेगी, कितने टाइम्स बदलेगी वो ऑर्डर बताएगा। जीरो ऑर्डर के लिए इंडिपेंडेंट है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेम रिलेशन रहेगा। टू टाइम्स के लिए ऑर्डर टू होगा तो आपका, आप देखोगे कंसंट्रेशन डबल की तो रेट चार गुना हो जाएंगी, वो चीजें आपकी थी। फिर आता था टेम्परेचर। टेम्परेचर का पहले थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में बता देता हूँ। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट भी हमेशा बढ़ती है, दुनिया का कोई भी ऑर्डर हो रेट भी बढ़ती है, और रेट कॉन्स्टेंट भी बढ़ता, हमेशा बढ़ता है। फिर बात आई कितना बढ़ता है, तो शुरू में आइडिया लगाया गया कि हर 10 डिग्री बढ़ाने पे, हर 10 डिग्री इंक्रीमेंट पे लगभग 2 से 3 टाइम्स हो जाती है। फिर एक टेम्परेचर कोफिशिएंट डिफाइन किया गया और उससे के का रिलेशन निकाला गया, के का बोल दो या रेट का बोल दो। इस सब में भी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आई। उसके बाद फिर एक आर्हेनियस थ्योरी, आर्हेनियस इक्वेशंस। आर्हेनियस इक्वेशन ने बहुत बढ़िया एक इक्वेशन दी थी, उसमें क्या क्या चीजें हैं वो मैंने आपको पिछली बार आपको बताया था। उसके अंदर आपके पास एक के है जो किसके बराबर होता है, जो आपका ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी होता है, ई ए अपॉन आर टी होता है। ये था आपका जो ये था, ठीक है। आपको के मैं फिर बता दूं, के क्या होता है, के आपका रेट कांस्टेंट है, इसकी यूनिट आप ऑर्डर पे डिपेंड करते हो। ए की यूनिट और के की यूनिट सेम होती है, ई की कोई यूनिट होगी नहीं, टी की यूनिट क्या होगी, केल्विन होगी। बात बची थी जो पिछले में ई ए और आर, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है, क्या है इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, और आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। आर की यूनिट क्या क्या होती है, आप जूल में भी लिख सकते हो, कैलरी में भी लिख सकते हो। तो ई ए की यूनिट और आर की यूनिट क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। हाँ, आर होता है जैसे जूल पर मोल पर केल्विन, और ये होता है आपका क्या, जूल पर मोल। तो केल्विन वाला एक फर्क रहता है बस ये, ठीक है। तो जो आर की यूनिट में बात करूं, आर की आपकी यूनिट हो सकती है 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। या फिर आप कैलरी में लिखना चाहोगे तो कैलरी में भी आप इसकी वैल्यू लिख सकते हो, बिल्कुल कैसा, अप्रोक्सीमेटली 2 कैलरी पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन, ठीक है। ये था, तो ये समझ में आ गया होगा, सिंपल ही चीजें हैं। और तो ई ए की क्या यूनिट करोगे, पुट करोगे आप, जो ई ए की जो यूनिट होगी, ई ए भी आपका किस में हो सकता है, आपका किलो कैलरी में हो सकता है, जूल में हो सकता है, किलो जूल में हो सकता है, ये ठीक है। तो यूनिट जो होगी आर की, कौन सी वाली यूनिट पुट करोगे, यदि आपको ये किलो कैलरी में दे रखा है तो आप इसको किलो कैलरी में कन्वर्ट तो कर ही लो, कैलरी को किलो कैलरी वाला ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरीके से कैलकुलेशन में मिस्टेक होने से बचेंगे। दो मिस्टेक कैलकुलेशन में सीधा सीधा होती है, बच्चा टेम्परेचर को सीधा उठाकर डिग्री सेल्सियस में पुट करता है, फिर बता रहा हूँ यहाँ बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, हमेशा केल्विन में पुट करें। वहां पे आपको ये देगा, आपको बोलेगा कि 80 कैलरी, और बच्चा इसको 8.3 पुट कर देता है, नहीं, ये कैलरी में है तो ये भी कैलरी में होना चाहिए, ये जूल में है तो ये भी जूल में होना चाहिए, यदि ये किलो जूल में है तो इसको जूल में बदल लो, यदि ये किलो कैलरी में है तो इसको कैलरी में बदल लो। यहाँ पे आपका मिस्टेक हो सकता था, ठीक है। इक्वेशन में कौन क्या क्या है ये आपको बता दिया गया है, और भी थोड़ा डिटेल में इस इक्वेशन को हम पढ़ेंगे। अब जो बात आती है एक्टिवेशन एनर्जी क्या चीज है, क्या एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक अच्छा टॉपिक है जिसे थ्योरेटिकली और न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमेशा आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं और इसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हमेशा आते हैं, ठीक है। क्या चीज है इसके अंदर हम देखते हैं, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी जिसको मैं ई ए से नोट करता हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी जिसको आप ई ए से नोट करते हैं, जैसे कि हम जानते हैं भाई कोई भी रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्ट करते हैं और क्या बनाएंगे, आप प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि मैं मान लूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हमने थोड़ा थोड़ा ये पढ़ा हुआ है, इस एक्सिस में मैं मान लेता हूँ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है वो एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है, और यहाँ पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी ले लिया, पोटेंशियल एनर्जी ले लिया, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी लिया। अब जैसे कि मान लिया कोई रिएक्शन मेरी हो रही है, जो ए प्लस ए मान लिया कन्वर्ट हो रहा है आपका बी में, ठीक है। अब ए की कोई भी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ रही होगी, ठीक है, और मान लेता हूँ कि बी यहाँ रहा हो, मान लिया मैंने, ऐसा नहीं कुछ दिया हुआ है, आप ये चीज देख के बता सकते हो रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, रिएक्टेंट यहाँ पे है और प्रोडक्ट यहाँ पे है,
एनर्जी किसकी ज्यादा, प्रोडक्ट की, तो हीट ली होगी नहीं इसने, डेल्टा एच कैसा पॉजिटिव, एंडोथर्मिक के लिए मैं बढ़ा रहा हूं। तो ऐसा नहीं होता है कि आपका ये इसमें चला जाता डायरेक्टली, नहीं, बीच में एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ऐसे बनता जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, इस तरीके से। ये होता है आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, क्या होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं ऑर्गेनिक में, यदि थोड़ा थोड़ा याद हो तो किसी को, ये था। अब क्या होता है, जैसे कि 11th क्लास में स्टेटोमीटर में एक बोल्ट्जमैन मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा था कि आपके पास एक गैस का सैंपल है, उसमें 100 पार्टिकल होंगे, तो उनकी एनर्जी अलग अलग होती, किसी की 5 जूल, किसी की 2 जूल, किसी की 7 जूल, किसी की 20 जूल, किसी की 50 जूल, किसी की 90 जूल, अलग अलग होती है। तो इसी तरीके से जो हमने ये एनर्जी बताई हुई, ये एवरेज बताई हुई, इसमें बहुत सारे पार्टिकल ऐसे होंगे जिसकी एनर्जी ज्यादा है, कुछ ऐसे भी होंगे कम है, तो सबका एवरेज याद है। अब ए का बी में कन्वर्ट, ए जो है आपका बी में कन्वर्ट होना जाता है, ठीक। ए के पास अपने खुद की कोई एनर्जी होगी, जरूर ए के पास भी अपनी एनर्जी रहेगी कुछ न कुछ, और बी के पास भी लास्ट में एनर्जी रहती ही है, तो ठीक है ए के पास एनर्जी, लेकिन ए कहाँ जाना चाहता है, ए बी में जाना चाहता, तो उसको मिनिमम ये वाली एनर्जी तो चाहिएगी, उसको यहां से लेके यहां तक जाना है, ठीक है। तो ये ए बी में नहीं जा रहा था, चुपचाप बैठा हुआ था, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि दो बच्चे हों आपस में लड़ नहीं रहे, हम उनको लड़ाना चाहते हैं, रिएक्शन करना चाहते हैं, तो हम उनको एक्टिवेट करते हैं लड़ाने के लिए। इसी तरीके से जो रिएक्टेंट होता नहीं, वो प्रोडक्ट में नहीं जाता, उसको हमें शुरू में एक्टिवेट कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, उसी एनर्जी का जो नाम होता नहीं उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, क्या बोलते हैं उसको एक्टिवेशन एनर्जी। ये है, इस ए को हम एनर्जी देते हैं, वो यहां पहुंच जाता है, और यहां से अब ये वापिस आ जाएगा तो यही है, और ये इधर चला गया तो आपका प्रोडक्ट बन गया। तो जो एनर्जी हमने उसको दी उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन। अब ऐसा नहीं है कि रिएक्शन इधर से ही होगी, ये रिएक्शन उधर वाले बैकवर्ड साइड से भी हो सकती है। यदि मैं इधर से रिएक्शन को देखूंगा, ये इधर से, ये भी इधर से भी आ सकती है, इसको ई ए बी बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और इसको ई ए एफ बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो एक्टिवेशन एनर्जी की मैं बात करूं, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ये मिनिमम एनर्जी है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए चाहिए, मिनिमम एनर्जी है ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जो हाईएस्ट एनर्जी का, सबसे अनस्टेबल बोल दूं, हाईएस्ट एनर्जी का जो उसके अंदर पूरी रिएक्शन के अंदर स्पीसीज है उसको हम बोलते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी की आप डेफिनेशन कैसे लिखोगे, एक्टिवेशन एनर्जी है उसके आप डेफिनेशन लिख लेना किस तरीके से, एक्टिवेशन एनर्जी ई डॉट ए से हम नोट करते हैं, इट इज द मिनिमम एनर्जी required, it is the minimum energy to required to activate the reactant to form activated complex, to activate the reactant to form activated complex, ठीक। या फिर आपको ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ से आप अपनी डेफिनेशन बना के भी लिख सकते हो कि ये भाई ये मिनिमम एनर्जी है जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचाने के लिए चाहिए होती है, ठीक है। इनके बीच में जो गैप होता है, यहाँ पे कुछ एनर्जी रही होगी, यहाँ कुछ एनर्जी रही होगी, ये जो एनर्जी है वो प्रोडक्ट की एनर्जी है और ये आपके रिएक्टेंट की एनर्जी, इनके बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन, डेल्टा आर एच। थर्मोडायनेमिक्स कुछ कुछ याद होगा कि क्या बोलेंगे, एनर्जी ऑफ बी माइनस एनर्जी ऑफ ए, एनर्जी ऑफ बी माइनस एनर्जी ऑफ ए, ये बोलते हैं, ठीक है। इस केस में, ऊपर वाले केस में आप देखोगे पॉजिटिव आ रही है, हो सकता है ये नेगेटिव भी आ जाए। जो मैंने मनाया है आपको, जो डायग्राम दिया है वो एंडोथर्मिक का दिया है, एक्जोथर्मिक का मैं देता तो ये वाला पॉइंट यहाँ होता, इससे नीचे होता, इस पे होता तो डेल्टा जीरो ही हो जाती, और इससे नीचे होता तो क्या हो जाती, नेगेटिव हो जाती। अब इसके अंदर देखिए, ये जो गैप निकालना है, एक तो ये गैप मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मेरे को दोनों एनर्जी दी हो, या फिर मैं गैप ऐसे भी तो निकाल सकता हूँ, ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी दी हो, ये वाला यहाँ से यहाँ तक की, और इसके लिए यहां से यहां तक की, मैं फॉरवर्ड में से बैकवर्ड को माइनस कर दूं तो भी तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी से भी निकाल सकता हूं मैं, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, ये एफ मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन, बी मतलब बैकवर्ड रिएक्शन, ये आप ध्यान रखें इस चीज का, ठीक है। ठीक, ई ए एफ माइनस ई ए बी, ये आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड। इस पे भी आपका छोटा छोटा क्वेश्चन आ जाता है, नीट और जेईई मेन में बहुत
छोटे छोटे क्वेश्चन इस पे आते हैं, बोलेगा फॉरवर्ड की 50 है, इसकी 30 है, बताइए सबसे पहले तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट ऑफ रिएक्शन कितना है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे आएंगे। ठीक है, अब हम वापस उसी इक्वेशन पे जाते हैं जो अपने आरएनएस की इक्वेशन थी, सिर्फ हम थ्योरेटिकल पार्ट उसके ऊपर कर रहे हैं, सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट इस पूरे लेक्चर में अपने से हो पाएगा, उसे नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम सब न्यूमेरिकल पोर्शन देखेंगे। देखें भाई, इसके अंदर वापस हम आते हैं अपनी जो इक्वेशन थी, क्या k इज इक्वल टू a, ठीक है, e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ई ए अपॉन आर टी, हम जो अपने सिलेबस में मानते हैं वो क्या मानते हैं कि एक्पेंडेंट ऑन टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक, अपना पूरा जो सिलेबस है उसमें हम मान के चलते हैं, ऑफ डिपेंडेंस ऑफ के की बात कर रहे हैं हम कि किस तरीके से ये आपका डिपेंड करता है के पे। ठीक है, इसको देखा जाए भाई, जो अपना फंक्शन होगा उसको हम देखेंगे, डी एल एन के डिवाइडेड बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू के को हम टेम्परेचर के उसमें रिस्पेक्ट में मैं करूंगा तो ये आपका आ जाएगा ई ए अपॉन आर टी स्क्वेयर, ई ए अपॉन आर टी स्क्वेयर, ये है। ठीक है, जैसे जिस तरीके से तुम्हें टेम्परेचर का जो रिलेशन लिखते थे, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सेम है, बिल्कुल रेट कांस्टेंट का भी कोई फर्क इसके अंदर भी नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम है, वहां भी यही इक्वेशन होती थी, वहां डी एल एन के डिवाइड बाई टी, यहाँ पे डेल्टा एच होता था, वहां पे के इक्विलिब्रियम होता था तो यहाँ डेल्टा एच होता था, यहाँ इसमें एक्टिवेशन है तो ये इक्विलिब्रियम है, ये हो जाएगा। अब यहां से एक जो पहली बात देखते हैं, बिल्कुल सिंपल करके भी बताऊंगा इस इक्वेशन को आप, ठीक है, जो बच्चे सीबीएसई के हैं उसके लिए मैं बहुत सिंपल भी करूंगा इसको। अब यहां से देखो, जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी, जितना ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतनी ज्यादा, ये आपको क्या बता रहा है, ये बता रहा है एल एन के है, टेम्परेचर से को चेंज करूंगा तो किस तरीके से डिपेंड करेगा, बहुत अच्छे से बच्चे समझते होंगे, यह एल एन के का चेंज किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, वो इस पर डिपेंड कर रहा है, किसी भी आप एक टेम्परेचर पे आप देखोगे। ठीक है, तो ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर, जितना ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना ज्यादा के क्या डिपेंड कर रहा होगा, तो ये है कि एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज सेंसिटिविटी, या फिर बोल दें डिपेंडेंस ऑफ के ऑन टी इंक्रीज, ज्यादा सेंसिटिव होगी। ठीक है, एक का एक्टिवेशन एनर्जी 5 है और एक का 10 है। ठीक है, जैसे कि मान लो एक एक्टिवेशन एनर्जी है ई ए वन, किसी का एक्टिवेशन एनर्जी कोई एक रिएक्शन है उसका मान ले 10 जूल पर मोल है, और एक दूसरी रिएक्शन है उसका एक्टिवेशन एनर्जी 20 जूल है, कोई बोलो मैं टेम्परेचर आपका 27 डिग्री सेल्सियस से, टेम्परेचर आपका 27 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा के 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया। ठीक है, ये रिएक्शन कोई मान लिया मैंने एक्स रिएक्शन, और कोई ये मान लिया ये किस रिएक्शन की, ये वाई की है। अब आपसे बोला जाए किसके अंदर ज्यादा का चेंज आएगा, कौन ज्यादा सेंसिटिव है रिएक्शन, ये या ये, तो आप देखोगे जिसके ऊपर जिसके एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है उसके अंदर चेंजेस ज्यादा होंगे पक्का। तो किसके अंदर ज्यादा होंगे, वाई इज मोर सेंसिटिव इन रिस्पेक्ट इन टर्म ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के टर्म में ज्यादा होगी। ये तो था अपना सिंपल, इस तरीके का जो थोड़ा टेक्निकल टाइप के जो बच्चे मैं थोड़े बच्चे वो समझ जाएंगे कि ये एक्चुअल में ये चीज होती है, वो आपको बता रही है कि एल एन के किस तरीके से टेम्परेचर में, बिल्कुल जो हम सिंपल तरीके से इसको पढ़ते हैं, देखिए बहुत आसान तरीके से इसको पढ़ा जाए। ठीक है, तो पहला, ठीक है, अपने पास के था, के को हम बोलते थे ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, आरएनएस ने इक्वेशन दी थी किसका क्या रोल है, बहुत अच्छे से अपने को पता है, इसमें कोई डाउट भी नहीं होगा किसी भी बच्चे को। ठीक है, ये था, अब इसको मैं लोग ले लेता हूं, ठीक, एल एन ले लेते हैं दोनों साइड, यहां से आप लिखोगे एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब ट्वेल्थ के बच्चे हो तो ये बात जानते होंगे, एल एन एक्स इंटू वाई एल एन एक्स इंटू एल एन वाई, तो ये आपका एल एन ए इज एल एन के गलती से लिख दिया था एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए प्लस एल एन
e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ई ए अपॉन आर टी, ये आर टी है ठीक है। यहां से मैं लिखूं एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए, एल एन के अंदर ई हो, जैसे बेस टेन टेन हो तो ऊपर वाली चीज तो आगे आ जाती है और वो वन हो जाएगा, लिखेंगे माइनस ई ए अपॉन आर टी, ई ए अपॉन आर टी। ए क्या है, ए कॉन्स्टेंट है किसी रिएक्शन के लिए, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, अरहेनियस फैक्टर बोलते हैं, टेम्परेचर पे हम मान के चलते हैं डिपेंड नहीं करता, एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड नहीं करती है। ये इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म है, लॉग में लिखोगे। एल एन और लॉग का क्या रिलेशन सबको पता होगा, क्या 2.303 लॉग के इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, माइनस ई ए अपॉन आर टी। लॉग की फॉर्म में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि हम इसको लॉग की टर्म में लिखते हैं, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, 2.303 आर टी, ये 2.303 आर टी, ये बहुत काम की चीज है। आपने यदि ये इक्वेशन याद कर ली है, ये आपको पता है, तो वो ये अपने आप निकल आएगा ठीक है। मैथ के बच्चे तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। मान लेता हूं एट टी वन जो टेम्परेचर है तो रेट कॉन्स्टेंट के वन है, और जब आपका टेम्परेचर टी टू होता है तो के हो जाता है, ये बढ़ के के टू हो जाता है ठीक है। ये पुट कर देते हैं इसी इक्वेशन में, बिल्कुल नॉर्मल मैथ। देखो जो बच्चे अच्छे जिनको ठीक ठाक मैथ आता है, तो आपको जो पहले वाला रिलेशन बताया डी एल एन के बाई डी टी, वहां से इंटीग्रेट करके भी आप निकाल सकते हो। बिल्कुल जिनका मैथ वीक है या जिनको लगता है, तो उनके लिए मैं ये डेरिवेशन कर रहा हूँ। यहां से आपका एक जगह हो जाएगा लॉग के वन इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी वन। ए और ई ए डिपेंड नहीं करेंगे, इस पे बोल दोगे आप लॉग के टू इज इक्वल टू ऑफ लॉग ए माइनस ई ए 2.303 आर टी टू ठीक है। क्या किया जाए इसमें, जब देखोगे माइनस कर दो, लॉग के टू माइनस लॉग के वन कर दो, इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से माइनस करोगे ठीक है। ये है, इससे लॉग ए से तो लॉग ए कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है, दोनों वैल्यू बराबर है ठीक है। इसमें और इसमें आप देखोगे टी टू और टी वन है, लॉग के टू माइनस लॉग के वन, लॉग के टू बाई के वन कर दोगे ठीक है। इस इक्वेशन को दो मान लोगे तुम सेकेंड इक्वेशन, और इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लोगे, तो ये आपका रहेगा टू माइनस वन, टू माइनस वन ठीक है। तो आप इसको लिखोगे लॉग के टू बाई के वन, लॉग के टू बाई के वन ठीक है, किसके बराबर आ जाएगा आप देखोगे यहां से ई ए अपॉन आर टी टू माइनस टी वन डिवाइड बाई टी वन टी टू। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी इक्विलिब्रियम आता होगा वो रिलेट कर लेंगे, सेम टू सेम इक्वेशन आपकी वहां भी आती थी इक्विलिब्रियम में भी, क्या वहां पे इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट होता था यहाँ पे, और यहाँ पे डेल्टा एच होता था, यहाँ पे एक्टिवेशन है तो यहाँ पे इस तरीके की चीजें हैं ठीक है। सेम टू सेम बाकी चीजें, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, वेपर प्रेशर का टेम्परेचर पे क्या डिपेंडेंस होता है, कुछ बच्चे जो एडवांस की तैयारी करते हैं उनको वो भी आती होगी। यहाँ पे P2 होता है, यहाँ P1 होता है, यहाँ डेल्टा एच होता है, ये भी सेम टू सेम है, तो वहाँ वो इक्वेशन भी यहीं से आती है। आप इस इक्वेशन को जिसको मैथ अच्छा आता है वो बच्चे इसको इंटीग्रेट करके देखे, इस इक्वेशन को डी टी को इधर ले ले ठीक है, और इंटीग्रेट कर दे टी वन से टी टू तक ठीक है। एल एन टी वन पे के वन मान लेना, टी टू पे के टू मान लेना, तो यहाँ आ जाएगा एल एन के टू बाई के वन, और ई ए अपॉन आर कॉन्स्टेंट है, तो डी टी बाई टी स्क्वेयर मतलब डी एक्स बाई एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन करना आपको टी वन से टी टू, एग्जैक्ट आपकी इक्वेशन यही आएगी ठीक है। जिस बच्चे को थोड़ा लग रहा हो उसकी उसको मैथ थोड़ा वीक है, मैथ में कोई चीज जल्दी समझ में नहीं आती, आपकी एक ये लॉग की इक्वेशन बनती है। इसी इक्वेशन में मैंने कोई बाहर से चीजें नहीं रखी, बिल्कुल लॉग लिया है। आप क्या करो, टी वन टेम्परेचर पे के वन है और टी टू पे के टू है, ए और ई ए इंडिपेंडेंट रहते हैं। मैं फिर ये चीज ये लाइन लिख देता हूँ इसी के अंदर, क्या कि जो ई ए है और वो आपका इंडिपेंडेंट रहेगा। इसके अंदर ई ए एंड ए आर इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे ये इंडिपेंडेंट रहते हैं आपके, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते, हम ऐसा मान के चलते हैं। आरएनएस भी ऐसा मान के चला था, थोड़ा बहुत असल में वेरी कर जाते ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई है
ठीक। अब हम करेंगे ग्राफ और फिर हम पढ़ेंगे इस पर न्यूमेरिकल पोर्शन, ठीक है। एक एक करके हम ग्राफ की बात करते हैं कि ग्राफ, ठीक है, आपका लॉग के में और लॉग के वर्सेस 1/t का ग्राफ है, ठीक है। लॉग के की इक्वेशन तो आपको याद हो जाएगी, लॉग के इज इक्वल टू ऑफ लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। किस तरीके से आप ये लोगे, ठीक है। इसको आप बोलोगे y, इसको आपका कांस्टेंट है, ये हो जाएगा माइनस आपका एम एक्स, मतलब प्लस एम एक्स है, आप रिलेट कर लेना। ये आपका 1/t है, ठीक है। यहाँ पे आपका log ऑफ k है, आप देखोगे अगर आप ऐसा आएगा, ठीक है। ये जो कांस्टेंट रहेगा, ये आपका जो कांस्टेंट है वो क्या रहेगा, ये आपका कांस्टेंट जो रहेगा वो log a रहेगा, और जो आपका स्लोप है, आपका स्लोप है वो ई ए रहेगा। स्लोप क्या रहेगा, ई ए रहेगा, ठीक है। निकाल लोगे, इसको में तो कोई बड़ी चीज नहीं है। आप देखोगे इधर कोई तुमसे पूछे, इधर मैं जा रहा हूं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है। अब इधर देखोगे 1/t बढ़ रहा है, 1/t बढ़ रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर घट रहा होगा। टेम्परेचर घटेगा तभी तो के घट रहा है, देख रहे हो ये के इस तरीके से घट रहा है। यदि मैं बात करूं इसी के अंदर, ठीक है, कि टेम्परेचर के का ग्राफ मैं सीधा पूछ रहा हूं आपसे कि के का ग्राफ बताइए टेम्परेचर के बीच में, के का टेम्परेचर इन केल्विन, कुछ भी नहीं मेंशन तो टेम्परेचर इन केल्विन होगा, ठीक है। आपके पास इक्वेशन तो है ही, इक्वेशन जानते होगे सभी, क्या के इज इक्वल टू ए की पावर ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ठीक है। यहाँ पे आप टेम्परेचर की वैल्यू जीरो पुट करके देखना, जीरो पुट करोगे तो ये आपका जो वैल्यू आएगी इनफाइनाइट आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप पुट करोगे इनफाइनाइट आ जाएगी, और ई की पावर माइनस इनफाइनाइट या नीचे करोगे तो के की वैल्यू जीरो आ जाएगी, और ये आपका एक्सपोनेंशियल ऐसे बढ़ेगा इस तरीके से, एक्सपोनेंशियल ऐसे जाएगा। जो बच्चे मैथ के होंगे, बहुत तेज होंगे मैथ में, वो इसमें थोड़ा लिमिटेशन निकाल भी सकते हैं कि आगे जाके कैसा ग्राफ होगा। एक पॉइंट तक ऐसा जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वगैरह जिसको पता हो वो सोच सकता है, जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। केमिस्ट्री में एडवांस में आईआईटी में 2010 के पेपर 1 में ये क्वेश्चन आया था, के और टी कर ले। आप देखोगे उसने दो तो स्ट्रेट लाइन दी हुई है, तो यहां से देखोगे स्ट्रेट लाइन तो हो ही नहीं सकता एक्सपोनेंशियल। दूसरा एक ग्राफ दो एक्सपोनेंशियल है, एक डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, अरे टेम्परेचर बढ़ेगा तो के बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो उस तरीके से भी आप क्वेश्चन करते तो यहां भी आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता, ठीक है। तो ये डिपेंडेंस का था, किस तरीके से डिपेंड करता है, ठीक है। जो आपका स्लोप है, किस तरीके से स्लोप का स्लोप डिपेंड करेगा, ये है। और मैं फिर बता रहा हूं कि हाई एक्टिवेशन एनर्जी सिग्निफाई दैट रेट कॉन्स्टेंट डिपेंड स्ट्रॉन्गली ऑन टेम्परेचर। जितना ज्यादा आपका एक्टिवेशन एनर्जी होगा उतना स्ट्रॉन्गली वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। फिर मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ ये बात, ठीक है, इसको ध्यान रखें। तो ये आपका थ्योरेटिकल जो नॉलेज थी आपकी एक्टिवेशन एनर्जी की, आपके अरहेनियस इक्वेशन की, टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या रहेगा। ये नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम इस पर न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे, किस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं, क्या क्या न्यूमेरिकल इस पर आ सकते हैं, ठीक है।